हमारा टॉपिक है वो है वैवाहिक समायोजन यानी कि मैरिटल एडजस्टमेंट। तो हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र बंधन व एक जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है। यह एक स्थायी बंधन ही नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार भी है, यानी कि जो एक विवाह है वो एक सार्वभौमिक संस्था भी है और साथ में एक सामाजिक संस्था है जिसमें दो व्यक्तियों का यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह होता है जो अपने नए परिवार की शुरुआत करते हैं या परिवार जैसी संस्था में प्रवेश करते हैं। तो जो विवाह है यानी एक विवाह एक धार्मिक संस्कार भी है। विवाह का तात्पर्य स्त्री पुरुष का उद्देश्य सिर्फ भरण पोषण ही करना ही नहीं होता, यानी कि एक दूसरे का भरण पोषण ही नहीं होता बल्कि वे निरंतर प्यार रूपी संसार बनाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि एक सुखी संबंध बनाते हुए अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं जिसमें त्याग भी होता है एक दूसरे के लिए, या जो फैमिली होती है फैमिली मेंबर्स के लिए त्याग भी होता है, सहनशीलता होती है, सहयोग यानी कि एक तरह की हेल्प भी की जाती है, प्यार होता है यानी कि एक तरह का स्नेह। तो ये क्या है, इन सभी गुणों के आधार पर स्त्री और पुरुष अपना जीवन सुखी और समृद्धशाली बनाते हैं यानी एक दूसरे के लिए। और अगर फैमिली मेंबर्स में बच्चे हैं या पूरी फैमिली है तो इन्हीं सब गुण यानी कि जिसमें त्याग है, सहनशीलता है, सहयोग, प्रेम, इन सभी गुणों के आधार पर अपना जीवन सुखी और समृद्धिशाली बनाते हैं। जैसे उनकी जिसमें आती है उनकी रहन सहन की, आते की व्यक्ति का जो रहन सहन है वो किस प्रकार का है, या उनकी आदतें इतनी अच्छी है कि उनका जो एक तरीके से वैवाहिक एडजस्टमेंट यानी मैरिटल एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से बन पा रहा है जिससे उनका वैवाहिक जो जीवन है वो सुख उसमें सुख है, यानी वे एक दूसरे के साथ बहुत खुशी है, वो अपना जो जीवन है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता पा रहे हैं जिसमें सोने व जागने के घंटे यानी कि जो भी उनका सोने जागने का समय होता है या खान पान की आदतें हैं या पारिवारिक संबंधों है यानी कि जो परिवार यानी जो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स में एक दूसरे के जो संबंध है यानी जो एक दूसरे का रिलेशन है या एक दूसरे का बिहेवियर है कि एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका या एक दूसरे की हेल्प करना, इन सभी चीज़ों का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तथा अपनी सामाजिक धार्मिक और मनोरंजन क्रियाओं में एकता होनी चाहिए, यानी कि चाहे वो सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, या कोई फेस्टिवल हो, या कोई रीति रिवाज हो, या घर में किसी भी तरह का फंक्शन हो यानी एक मनोरंजनात्मक क्रिया यानी जिसपे फैमिली मेंबर्स किसी भी कार्य को बहुत खुशी से करते हो या जिस कार्य को करने से खुशी मिलती है, घर का प्रत्येक सदस्य अच्छे से खुश रहता है, या उसमें मनोरंजनात्मक कार्य यानी कि घर में किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन है तो उसमें सभी प्रकार के कार्यों में एकता का होना यानी काम को मिलजुल कर करने का गुण होना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं, वैवाहिक समायोजन कहा गया है, यानी कि एक मैरिटल एडजस्टमेंट की जब व्यक्ति की जो आदतें हैं या रहन सहन का जो स्तर है या रहन सहन की जो आदतें होती है या एक दूसरे के हेल्प करनी हो, खान पान की आदतें हो, या जितने भी घर में फंक्शन किए जाते हो, जो हमारा मनोरंजनात्मक कार्य है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के जो करने का तरीका होता है या किसी भी कार्य पे सही एडजस्टमेंट का होना यानी कि एक मैरिटल लाइफ में यानी एक मैरिज लाइफ में किसी भी कार्य को एक सही रूप से करना या फिर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करना या एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की रुचियों को एक दूसरे की हेल्प करना या जो भी व्यक्ति की रुचि होती है उसको समझना, भले सामने वाले व्यक्ति की वो रुचि ना हो लेकिन उसकी रुचि को महत्व देना, क्या होता है ये एक तरह का वैवाहिक समायोजन यानी कि मैरिटल एडजस्टमेंट कहा गया है। फिर आता है वैवाहिक समायोजन के क्षेत्र। तो विवाह के पश्चात पति पत्नी को विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य करना पड़ता है, यानी कि जो मैरिज है या शादी है, शादी के बाद
पति पत्नी को बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनमें उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो प्रत्येक प्राणी के अंदर दो प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, जिसमें पहला है घनात्मक संवेग और दूसरा है ऋणात्मक संवेग। तो जो घनात्मक संवेग का मतलब क्या होता है, यानी कि एक तरह की संवेग यानी कि इमोशंस जो होते हैं हमारे, तो वे भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा जो कुछ इमोशंस हमारे दुख को व्यक्त करते हैं, और दूसरा होता है हमारे खुश होने का कारण होता है, या फिर हम खुशी या प्रेम, ये सब हमारे घनात्मक संवेग होते हैं। तो घनात्मक संवेग की उत्पत्ति होने पर खुशी का भाव उत्पन्न होता है या प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, जिसमें स्नेह है, सुख आदि का भाव उत्पन्न होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति खुश है बहुत ज़्यादा किसी कार्य को लेकर या किसी चीज़ को लेकर के, या वो प्रेम से है या स्नेह है या वो खुश है यानी कि सुख है, तो ये क्या है, एक तरह के घनात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। तो विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष दोनों की आदतों, रुचियों और कार्यों, व्यवहारों आदि में समानता होनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की आदतें या तो मिलती जुलती हो, या दोनों की आदतें जो हो वो सही हो, या जो एक दूसरे की रुचियां होती हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छे से जान पाता है या उसकी रुचि को महत्व देता है। फिर आता है कार्य, यानी कि जो हमारा कार्य करने का तरीका होता है, या कार्य करने में जो एक सही एडजस्टमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे का व्यवहार भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों के बिहेवियर में चेंजेस है, यानी कि दोनों के जो बिहेवियर है दोनों का अलग अलग है, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर वो जो मैरिटल एडजस्टमेंट है वो सही नहीं होता। तो अपने या एक दूसरे के बिहेवियर में भी समानता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के अपेक्षित व्यवहारों को समझें और उनकी पूर्ति कर सकते हैं या पूर्ति करें। फिर आता है ऋणात्मक संवेग। ऋणात्मक संवेगों की उत्पत्ति कब होती है, जब किसी भी व्यक्ति को क्रोध आता है या गुस्सा आता है, या उसको भय यानी एक प्रकार का डर होता है, या ईर्ष्या होती है, या दुख हो, ये सब क्या है, ये एक ऋणात्मक संवेग है। यानी कि एक दुख या क्रोध का भाव उत्पन्न करते हैं। तो विवाह के पश्चात जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, तो दोनों की आदतों, रुचि, कार्यों, व्यवहारों आदि में समानता नहीं होती। यानी कि जैसा कि घनात्मक संवेग, अगर उसमें दोनों की रुचियां मिलती जुलती है, दोनों के बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, तो वहाँ घनात्मक संबंध या घनात्मक संवेग उत्पन्न होता है। लेकिन इसी के अपोजिट अगर दोनों व्यक्तियों की आदतें नहीं मिलती है, यानी कि दोनों की थिंकिंग बहुत अलग अलग होती है, दोनों का सोच विचार करने का तरीका या कार्य करने का तरीका दोनों का अलग अलग होता है, या दोनों की रुचियां अलग हो, या दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो वहाँ किसी भी कार्य को करने में समानता का गुण नहीं होता। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ सही एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, जो एक सही और सुखद जीवन में, यानी एक वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में तालमेल न होने पर प्रतिकूल क्या होता है, प्रतिकूल वातावरण उत्पन्न हो जाता है। यानी कि एक सही वातावरण होने की बजाय एक उसका अपोजिट वातावरण हो जाता है, और जो ऋणात्मक संवेगों की उत्पत्ति उसमें क्या होता है कि उसके बाद उसमें ऋणात्मक संवेगों की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि एक प्रकार का क्रोध उत्पन्न करते हैं, या कई बार भय उत्पन्न करते हैं, दुख, ईर्ष्या, ये सब ऋणात्मक संवेग उत्पन्न होने लगते हैं धीरे धीरे। तो जिसका दुष्प्रभाव कहाँ पड़ता है, एक वैवाहिक संबंधन जो संबंध होते हैं, या फिर एक वैवाहिक जीवन पर इनका बहुत असर पड़ता है, या उसके पारिवारिक वातावरण यानी कि जो उसके परिवार का एनवायरनमेंट है उस पर बहुत इफ़ेक्ट डालती है ये सब चीज़ें। तो फलस्वरूप पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश की उत्पत्ति हो जाती है, यही
संवेगात्मक असामंजस्य होता है, यानी कि अगर किसी भी दोनों ही व्यक्ति में अगर सही एडजस्टमेंट नहीं है, या दोनों की रुचियाँ नहीं मिल पा रही हैं, या दोनों की थिंकिंग अलग अलग है, या एक दूसरे को ना समझना, यानी कि दोनों में असमानता का गुण हो जाता है, तो ये क्या होता है कि ये हमारा ऋणात्मक संवेग उत्पन्न होने लगता है उस वैवाहिक जीवन में, जो वहाँ पर एक तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता, यानी कि वहाँ पे एक तरीके का जो मैरिज लाइफ में सही यानी कि धनात्मक संवेग होना चाहिए वो वहाँ नहीं होता। तो एक दूसरे की रुचि हो, आतो हो, जो बिहेवियर होता है इन सब चीज़ों में, या एक दूसरे की आतों को समझना, या एक दूसरे के बिहेवियर को समझना, या एक दूसरे की रुचि को महत्व देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो एक सही मैरिटल एडजस्टमेंट यानी एक वैवाहिक समायोजन में बहुत सारी चीज़ों का समान रूप से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं व्यक्तियों में कि उनकी समानता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अभी ये कंटिन्यू चलेगा, तो इसका जो आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।